हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू बिटकॉइन एक्सप्लेन इंडिया। मैं पंकज सर, और बिटकॉइन एक्सप्लेन इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत राहत की खबर और बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं सबसे पहले आपके लिए। और आपको बता दें, जो हमारी सरकार है वो क्रिप्टो करेंसी पर जो बैन लगने वाला था या ब्लैंकेट बैन लगने वाला था उसको हटा सकती है कुछ कंडीशंस के साथ में। और यानी कि आप कह सकते हैं एक यू टर्न ले सकती है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको याद दिला दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट आपको फटाफट मिलती रहे एकदम से। और दोस्तों हाँ, एक और हमने जो है वीडियो डाली थी कल कि आरटीआई में बहुत बड़ा खुलासा हुआ था कि आरबीआई ने बिना कुछ रिसर्च और बिना कुछ जानकारी के ही ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी ब्लैंकेट बैन लगा दिया और उसके जो बैंक है नोटिफिकेशन दे दिया। उसकी भी जो डिटेल्स हैं वो हमारी वीडियो में आप देख सकते हो कल की, और उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर है, धमाकेदार खबर आप कह सकते हैं, और सबसे पहले हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे जो बैन लगाने की प्लान कर रही थी, हो सकता है जो गवर्नमेंट है हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो जो है अलाउ कर दे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को कुछ कंडीशंस के साथ में। ये न्यूज निकल के आई है जो इकोनॉमिक टाइम्स के जो वेबसाइट है और ईटी नाउ के रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट किया है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है। और एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है ये कि दोस्तों, जो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए, और जो गवर्नमेंट का पैनल जो बनाया था उसने सजेस्ट किया है कि क्रिप्टो करेंसी को जो है अलाउ करना चाहिए इंडिया के अंदर में ए ट्रेडिंग या जो भी उसके अंदर काम करने के लिए कुछ राइडर्स के साथ में, कुछ कंडीशंस के साथ में। दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो डिटेल्स हैं वो हम ऑलरेडी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर चुके हैं, आप वहां से भी वो डिटेल्स ले सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और आपको बता दें, ईटी नाउ ने अपनी वेबसाइट पर भी डाला है, ट्विटर अकाउंट पर भी डाला है कि ये ऐसा हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको बताया कि 6 अप्रैल को आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया था कि जितने भी बैंक्स हैं वो अपने संबंध तोड़ दें, जो भी बैंक्स बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में जो भी एक्सचेंज डील कर रहे हैं, इंडिविजुअल डील्स कर रहे हैं, उनको साथ में कोई भी बैंकिंग की रिलेशन ना रखी जाए। और 20 जुलाई को जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई है। लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी राहत की खबर आई है, अगर ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं इतने लाखों लोग जो इसके साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी और कहीं ना कहीं एक राहत की सांस मिलेगी अगर ऐसा पॉसिबल होता है। और दोस्तों, हम भी आपसे लगातार कह रहे थे कि थोड़ी सी पेशेंस रखिए, सावधानी बरतिए, और हमें भी लगता है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, और ऐसी उम्मीद की जा रही है और जो सोर्सेज से न्यूज आ रही है तो हमें भी लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में जो है कुछ राइडर्स कुछ कंडीशंस के साथ में लीगल किया जा सकता है। और हम यही उम्मीद करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो बहुत राहत की खबर होगी लाखों लोग जो क्रिप्टो करेंसी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम भी जो है नंबर वन बन के दिखाएंगे और जो भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें अच्छी ही निकल के आएंगी। दोस्तों, सेम ही न्यूज जो है जी बिजनेस पे भी हमें जो उनकी टेलीविजन पे हमें देखने को मिली, और सरकार क्रिप्टो करेंसी पर बैन के पक्ष में नहीं है और वो जल्दी ही हो सकता है इसको कुछ कंडीशन के साथ में लीगल कर दे, ऐसा हमें समझ में आ रहा है और लग रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की धमाकेदार न्यूज़, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए ताकि हम आपको ऐसे अपडेट करते रहें, तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट आपको समय पर मिलती रहे और टाइम टू टाइम मिलती रहे, इंस्टेंटली मिलती रहे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।